एक ओर जहां धर्म संसद में साधु संतों ने अयोध्या कूच करने का आह्वान किया है, वहीं संतों के इस आह्वान पर देवबंदी उलेमाओं ने न सिर्फ नाराजगी जताई है बल्कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान नहीं लेने की बात कही है। के साधु संतों ने जो ऐलान किया है कि अयोध्या कूच करें और वहां जो है राम मंदिर का निर्माण करें, तो मैं केंद्र की सरकार और यूपी सरकार से और खासकर जो मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं उनसे यह कह देना चाहता हूं कि वो मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ना लें। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान चाहता है और सब्र व इत्मीनान चाहता है और सब्र के साथ में जिंदगी गुजार रहा है। मुसलमान बार बार यही ऐलान कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला अयोध्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के सिलसिले में आएगा वो हमें मंजूर है, लेकिन कुछ फिरका परस्त साधु संत जो है मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं और उन लोगों ने ऐलान किया है कि अयोध्या कूच करें और वो राम मंदिर का निर्माण करें। मैं ये पूछना चाहता हूं उन साधु संतों से, क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें हिंदुस्तान के कानून के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो इस तरीके की जल्दबाजी करके मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं?